भाई मान लो आपकी SSC GD 2018 की जो वैकेंसी निकली थी उसमें सिलेक्शन हो गई, ठीक है दोस्तों, तो फाइनली जाने के लिए प्रिपेयर हो, लेकिन आप सभी को पता कि आपके पास ज्वाइनिंग लेटर होना चाहिए। मान लो आपका ज्वाइनिंग लेटर इन केस आगे पीछे हो जाता, आपको आपके पास नहीं पहुँचता है, तो ऐसे रीज़न में या ऐसे केस में आप क्या करोगे भाई? हम आगे इसके बारे में बात करेंगे डिटेल के साथ, साथ में हम बात करेंगे क्या DME पास को जो है फिटनेस सर्टिफिकेट क्यों नहीं भाई दिया जाता, उसके बारे में हम बात करेंगे। और एक दो चीज़ और है मेरे पास, एक न्यूज़ है, एक आपके पास वो थोड़ा सा नोटिफिकेशन है उसके बारे में बताएंगे दोस्तों। हम सब कुछ बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। और एक और चीज़ भाई, अगर आपका कोई भी ज्वाइनिंग के रिलेटेड या कोई डॉक्यूमेंट के रिलेटेड आपका कोई भी इंक्वायरी हो या कोई भी आप डाउट हो आपका, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल डाउट क्लियर सेक्शन चला रहा हूँ दोस्तों, कंटिन्यू चला रहा हूँ, और पार्ट सेकंड इसका लेकर मैं आया हूँ। और फर्स्ट पार्ट अभी तक अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको देख सकते हो। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट हो। पहले सिर्फ 2 सेकंड के लिए मैं इसको आप पढ़ के समझता हूँ इसमें लिखा क्या हुआ दोस्तों। जो वैकेंसी एक्स सर्विस मैन की होती है, इनकेस अगर वहाँ पे उनकी वैकेंसी फिल पूरी नहीं की जाती है, होती है वहाँ पे कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उन केस में जो उस कैटेगरी की कैंडिडेट जिस मान लो SC की वैकेंसी है एक्स सर्विस मैन की, तो वहाँ पे SC कैंडिडेट्स को फिल किया जाएगा, जनरल की है तो वहाँ पे जनरल के कैंडिडेट्स फिल किए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। सेकंड ये नीचे नोट थर्ड में बताया हो कि वैकेंसी हैव बीन अलॉटेड टू द कंसर्न स्टेट, आपने यहाँ से फॉर्म अप्लाई किया अब वहीं से अलॉटमेंट आपको वैकेंसी उसी स्टेट से की जाएगी। एक केस में और बता दूँ भाई, एक छोटी सी है अभी, जैसे हमारा जब रिटर्न हुआ था ना उसी केस में, तो एक भाई था जब DME देने के लिए गया, उसका डोमिसाइल था स्टेट स्टेट जो होता है, ठीक है, PRC एक अलग जगह आ गई। मान लो उसकी PRC थी दिल्ली की, एग्जाम्पल के तौर पे मार रहा हूँ, है बंदा जम्मू JNK का, ठीक है, तो उनका एड्रेस और किसी स्टेट का लिखा हुआ था, ठीक है, एड्रेस का चक्कर हो गया था, तो भाई को काफ़ी प्रॉब्लम हुई वहाँ पे फेस करनी पड़ी, तो भाई को रिजेक्टेड कर दिया, ठीक है, उसका छोड़ो। हम बात करते हैं आपके साथ जो कि आपका, अगर मान लो आपका ज्वाइनिंग लेटर अब तक नहीं पहुँचता तो इन केस में आप क्या करोगे भाई, ठीक है, मैं उसके बारे में आपको एक बात बता देता हूँ भाई, अगर आपने सुननी हो तो सुन सकते हो भाई, नहीं सुननी हो तो आपकी मर्जी है, लेकिन बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। उस भाई का चक्कर हुआ, मेरा फ्रेंड है, ठीक है, मेरे गाँव का लड़का वो, ठीक है, उसकी 2015 में सिलेक्शन हुई, उस समय आप सभी को पता कि ऑफलाइन जो आता था ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है, उसका ज्वाइनिंग लेटर वहाँ से ऑफिस से निकल गया, ठीक है, दिल्ली से आता सभी को पता है, वहाँ से निकला हमारे लोकल पोस्ट ऑफिस में आया, लोकल पोस्ट ऑफिस का जो बंदा था उसने क्या किया, गांव का किसी लड़के को उसका ज्वाइनिंग लेटर दे दिया, ले भाई तू उसको दे देना। अब उस भाई का क्या चक्कर था, उसके साथ क्या पंगा था पता नहीं, लेकिन भाई ने उसको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया, ठीक है, अब उसको भाई को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला, तो भाई क्या कि फिर आप सभी को पता ज्वाइनिंग कैसी होती है, लेकिन भाई को फोर्स पता थी मुझे ये अलॉटमेंट हुई है और हमारी ट्रेनिंग वहाँ पर चलेगी, भाई वहाँ पर चला गया, तो वहाँ पर आके भाई को उन्होंने सिंपल रीज़न बताया कि आपको ज्वाइनिंग लेटर अलॉट हो चुका है, वहाँ से ज्वाइनिंग लेटर लेकर आओ, अब ऐसे ज्वाइनिंग लेटर लेकर आओगे आपको हम यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए बुला लेंगे, ठीक है। तो भाई घर पे वापस आ गया, भाई को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला, फिर भाई ने केस किया, कोर्ट में केस चला 1.5-2 साल, भाई के फेवर में केस गया, भाई के पास हर एक डॉक्यूमेंट हर एक चीज़ ओके थी, तो इसलिए भाई को वापस ट्रेनिंग के लिए बुला लिया गया। रही बात अब 2020 की, अभी आप सभी को बताया एक डिजिटल अभी टाइम चल रहा है, ठीक है, हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, तो हो सकता है इस साल जो आप सभी को ऑनलाइन इसके ज्वाइनिंग लेटर मिले, ठीक है भाई, बिल्कुल टेंशन मत लो, जैसे एक आधे केस में होता है आगे पीछे ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है, अभी ज़्यादा टेंशन मत लेना भाई। तो हम एक छोटा सा और नोटिफिकेशन है उसके बारे में पढ़ के बता देते हैं, फिर आपको एक चीज़ और बताते हैं कि DME का फिटनेस सर्टिफिकेट क्यों नहीं प्रोवाइड कर दिया है। द डिसीजन ऑफ द कमीशन इन द ऑल द मैटर रिलेटेड टू द एलिजिबिलिटी एक्सेप्टेंस और द रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन पेनल्टी फॉर द फॉल्स इन्फॉर्मेशन और मोड ऑफ सिलेक्शन और द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन अलॉटमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर्स एंड द प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट एंड द फोर्स अलॉटमेंट विल बी फाइनली एंड वाइंडिंग ऑन द कैंडिडेट्स एंड नो इंक्वायरी कॉरेस्पोंडेंट विल बी इंटर्ड इन दिस रिगार्डिंग। जो आपकी फोर्स अलॉटमेंट होंगी, ठीक है, जो आपका फाइनल मेरिट प्रिपेयर किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी इंक्वायरी नहीं ले सकते, RTA के थ्रू भी आप यहाँ से इंक्वायरी नहीं ले सकते भाई। जो एलिजिबिलिटी है, अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है आपको पेनल्टी लगेगी, आप उसके अगेंस्ट केस नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, अब नीचे उसके बारे में हम बात करते हैं जो आपका कोर्ट केस कर सकते हो। मान लो आप बच्चों को पहले क्या होता है, अगर बच्चों को DME पास का फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, इन केस उनकी ज्वाइनिंग उनकी फाइनल सिलेक्शन नहीं होती,
अब सभी को पता है कि मेरे मार्क्स आए हुए हैं 60, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो मेरिट गया है 50 57 का, 3 नंबर आपके ज़्यादा हो गए, तो अगर 57 वाले की सिलेक्शन होगी तो 60 वाले की क्यों नहीं भाई। तो इस केस में अगर आपके पास DME फिटनेस का सर्टिफिकेट है तो आपको ईजिली महीने डेढ़ महीने में आपका केस रिजॉल्व हो जाएगा। अगर आपके पास मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है तो भाई केस लंबा चलता जाएगा। आप सभी को पता है SSC का 5 5 10 10 साल केस चलता है भाई। आप सभी को पता है 2011 की अभी कुछ बच्चे पेंडिंग हैं जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है भाई, 2015 के कुछ बच्चे पेंडिंग है, 2019 में लिस्ट आई थी अगर आपको पता हो कुछ 1400 1500 बच्चों की, ठीक है, उसमें बच्चों की ज्वाइनिंग डाली गई थी कितनी लेट, क्योंकि 2011 की वहाँ पर लिस्ट निकली। आप सभी को पता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस भाई इतने हज़ारों टाइप के केस पड़े हुए हैं, इसमें आप चाहें तो खुद चेक कर सकते हो भाई, ठीक है, आप किसी अपने फ्रेंड से पूछ लेना भाई उनका क्या चक्कर है, जो जो बंदा इसमें सिलेक्शन हुआ है, मेरा खुद एक फ्रेंड है वहाँ से, मैं बात अक्सर उससे करता रहा, तो वो CRPF में, ठीक है, तो हमारी बात होती रहती है इसके रिलेटेड कि क्या चक्कर चल रहा है क्या नहीं चल रहा है भाई, ठीक है। तो इसलिए ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही एक जेन्युइनली बात कर रहा हूँ इसके रिलेटेड, अगर हो जाए तो आप कोर्ट केस कर सकते हो, फेवर में आपका फैसला आएगा, आप टेंशन मत लो। जब से बच्चों की जिस दिन से ज्वाइनिंग होगी उसी डे से आपकी जो है सैलरी आपको सब कुछ मिलेगा भाई, आप उसकी चिंता छोड़ दो कि आपका मान लो अगर 3 साल के बाद ज्वाइनिंग होती है तो आपको 3 साल का पैसा कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलता भाई, अब उसकी चिंता मत करना। गवर्नमेंट उसमें आपको एक कंडीशन देती है, या तो आप पैसा ले लो तो या तो फिर ज्वाइनिंग आप डाल लो, कोई बात नहीं आप जॉब कर लो। अगर आप लेट हो जाते हो, मान लो कि बच्चों को 10 10 साल 15 15 साल केस चलता है, उनकी शादी शुदी सब कुछ हो जाती है, तो भाई ऐसे केस में फिर यही चक्कर होता है, आपकी चॉइस होती है कि अगर आप जॉब करना चाहते हो जॉब कर सकते हो, अगर आप पैसा लेना चाहते हो तो सेटलमेंट हो जाती है, एक तो आपको वहाँ से बिल्कुल सेटलमेंट की कर दी जाती है, या आपको यहाँ पर लोकल जो होती है एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर आपको जॉब प्रोवाइड करवा दी जाती है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसी जनरली मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है इन केस में, ठीक है दोस्तों। और लास्ट में फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट कोई भी हो ज्वाइनिंग के रिलेटेड, कोई भी डॉक्यूमेंट के रिलेटेड, तो डेफिनेट मुझे आप कमेंट करना दोस्तों। जय हिंद, शुभ रात्रि।